अब तेरी नई जिंदगी की शुरुआत हो रही है कंचन। नए घर में नई खुशियां, नया जीवन तेरा इंतजार कर रहा है। आगे बढ़। आपने जो फैसला लिया है वहां हर मोड़ पर आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। हर तरफ से आप परवार होंगे, तब आपको अपने लिए इस ढाल की जरूरत पड़ेगी। इस नई शुरुआत में सिर्फ खुशियां होंगी, बीते कल की कोई बुरी परछाई नहीं होगी। आपने जो फैसला लिया है वहां हर मोड़ पर आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। हर तरफ से आप परवार होंगे, तब आपको अपने लिए इस ढाल की जरूरत पड़ेगी। अब तेरी नई जिंदगी की शुरुआत हो रही है कंचन। नए घर में नई खुशियां, नया जीवन तेरा इंतजार कर रहा है। आगे बढ़। इस नई शुरुआत में सिर्फ खुशियां होंगी, बीते कल की कोई बुरी परछाई नहीं होगी। इस नई शुरुआत में सिर्फ खुशियां होंगी, बीते कल की कोई बुरी परछाई नहीं होगी। हमने आपको समझाया था कि ये रास्ता आपके लिए आसान नहीं होने वाला, अगर ठीक है, अगर आपने इस रास्ते पर चलने का फैसला कर ही लिया है तो आपको जीत मुबारक हो। शादी का पहला ही पड़ाव होता है सुहाग रात। अब मैं अपने इस डर से कैसे लड़ूं? हमारा लॉकेट, लॉकेट कहाँ गया? इन्हें इनके कमरे तक ले जाइए। शादी का पहला ही पड़ाव होता है सुहाग रात। अब मैं अपने इस डर से कैसे लड़ूं? आज आपको राजमहल घुमाते। कुंवर जी, ये सोनर की यहाँ से आया है। हमारे पास भी आपके लिए एक सरप्राइज है। मेरी विशेष और अनन्या दी की फैमिली थी, अगर किसी ने लॉकेट पहना हो तो मेरा ध्यान जरूर जाता। कैसे पता करूँ मैं? हमारा खानदानी लॉकेट दोबारा से बनवाना था, तो मैं तस्वीर साथ में लाई। जरा एल्बम दीजिए। हमारे पास भी आपके लिए एक सरप्राइज है। मेरी विशेष और अनन्या दी की फैमिली थी, अगर किसी ने लॉकेट पहना हो तो मेरा ध्यान जरूर जाता। कैसे पता करूँ मैं? अगर आपको डिजाइन पसंद नहीं आया तो कोई बात नहीं, दूसरी डिजाइन बनवा लीजिए। हमारा खानदानी लॉकेट दोबारा से बनवाना था, मैं तस्वीर साथ में लाई। जरा एल्बम दीजिए। अगर किसी ने लॉकेट पहना हो तो मेरा ध्यान जरूर जाता। कैसे पता करूं मैं? हमारा खानदानी लॉकेट दोबारा से बनवाना था, मैं तस्वीर साथ में लाई। जरा एल्बम दीजिए। कंचन, रक्षाबंधन की रस्म शुरू कीजिए। पापा की लॉकेट। पापा, आपका लॉकेट मिल गया। आपको छोड़कर जाने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। शेष, तुम मेरी बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं यहाँ बिल्कुल ठीक रहूंगी। और इतनी दूर तुम जिन औरतों के हक के लिए लड़ने जा रहे हो, तुम वो जीत गए तो उसमें मेरी जीत भी होगी। अब प्लीज ज्यादा मत सोचो और जाओ। विशेष, मैं कंचन जी, आज तक आपने अपनी जिंदगी में हर मुश्किल का सामना अकेले किया, लेकिन अब आने वाली जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आने वाले, और हम हमेशा आपका हर उतार चढ़ाव में साथ देना चाहते, आपके साथ खड़े रहना चाहते। सच में पापा, सौरभ जी ना बहुत अच्छे इंसान। हाँ वो तो है,
एक बार मिलकर ही उनसे अंदाजा हो गया था कि वो बहुत भले हैं। मुझे ऐसा लगता था कि बड़े लोगों के तेवर भी ना बड़े होते हैं, पर फिर विशेष से मिला और फिर राजमाता से और अब सौरभ जी से, इन्होंने तो मेरे ख्यालात ही बदल दिए बेटा। सचमुच तू बहुत सौभाग्यशाली है जो उनको राखी बांधने जा रही है। कीरू, तेरी डिफेंस क्लासेस कैसी चल रही? बहुत अच्छी चल रही है दीदू। अच्छा पापा, मैं आपसे बात नहीं हूँ। हाँ ओके बेटा, ख्याल रखना। अरे भाभी, सुबह सुबह आप अकेले ही सारे कामों में लग गई, हमें बुला लिया होता ना, हम आपकी मदद कर देते। अच्छा बताइए हम क्या करें? अरे नहीं नहीं, देखिए ना सब काम हो गया, बस गाजर का हलवा बचा, ये भी हो जाएगा। वैसे आप बड़ी खुश लग रही हैं आज। खुश तो होंगी ना, जिंदगी में पहली बार किसी को राखी बांधने जा रहे, और वो भी सौरभ जी जैसे इंसान को। अगला अध्याय आरंभ। सीता जी के समक्ष राक्षस राज रावण जोगी बनकर आया। मन में लूटने की थी इच्छा, लेकिन वेश साधु का धर के आया। जिसने तीन साल पहले वो इंसान जानवर है, उस अपराधी ने मेरे साथ। हम आपसे एक बात आ चाहते हैं कि आप ये बात कभी किसी को नहीं बताएं, खास करके विशेष को तो कभी नहीं। शेट्टी नहीं है, यति है। सही पकड़े हैं। यति, तुम्हें पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, तुम्हारी जगह यहाँ नहीं बल्कि चिड़ियाघर में है। What are you doing? भाभी जी, कंस द्वारा ऋषि गर्गाचार्य को मिलता है मथुरा में उपस्थित होने का आदेश। भगवान कंस ने अपनी महिमा मंडन करने के लिए आपको बुलावा भेजो है। बहन सुधा के प्राण बचाने हेतु सुदामा करते हैं जन जन से विनती, चल भाग यहाँ से। अपने सखा के दुखों को हरने शीघ्र आएंगे परम अवतार श्री कृष्ण। टॉवल देना जरा। देवर जी, हम जानते हैं आपके अंदर अभी भी पहले वाला बिस्सू है, उसे निकाल लिए, छोड़ दीजिए ये पागलपन, कुछ हो नहीं रखा है इसमें। आप गलत समझ रही हैं भाभी, पागल नहीं हूं मैं, सृष्टि से प्यार करता हूँ। कैसे रेडी है? जो सामान मैंने मंगवाया था वो रेडी है? अब मैं भी देखता हूँ कैसे विन और सिद्धि हनीमून पे जाते हैं। एक मिनट, क्या